गोलू गुप्ता पर दुर्भावनापूर्ण बनाया लूट का मामला, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। गत दिवस नगर कांग्रेस कमेटी साली चौका ने नगर युवक कांग्रेस अध्यक्ष कृष्णकांत गुप्ता उर्फ गोलू के खिलाफ राजनैतिक दबाव में दुर्भावनापूर्ण दुकान में तोड़फोड़ कर लूट का फर्जी मामला दर्ज करने के विरोध करते हुए समुचित जांच करने स्थानीय उप थाना में प्रभारी पीयूष साहू को आईजी भोपाल, डीआईजी एसपी नरसिंहपुर, मानवाधिकार आयोग भोपाल, डीएसपी गाडरवाड़ा के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि उप थाना साली चौका में अपराध क्रमांक 9621 में अज्ञात वाहन द्वारा टूटी हुई दुकान का प्रकरण में धारा 279 के तहत गोलू गुप्ता के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। बाद में राजनीतिक दबाव में धारा 457 एवं 380 बढ़ा दी गई और आरोप लगाया गया कि चोरी की गई है, जबकि वह दुकान कटिंग सैलून की थी जो घटना के समय पूर्णतः खाली थी। केवल शिकायतकर्ता उस पर अवैध रूप से अतिक्रमण यह हुआ था। इसके बावजूद राजनीतिक सचिव के कारणों से गोलू गुप्ता पर लूट की धाराएं लगा दी जो निंदनीय है। ज्ञापन सौंपते समय वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र पटेल, नगर अध्यक्ष पवन शुक्ला, विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल, बेनी सिंह शेजवार, राजेंद्र साहू, सूरज राय, मोहन सिंह पटेल, मथुरा प्रसाद अहिरवार, परसोत्तम अहिरवार सहित अन्य कांग्रेस जन मौजूद रहे। अवधेश चौकसे की खबर। कोई नाई की दुकान थी, उस वो अतिक्रमण में थी, तो वो शायद फिर से बना रहा था, तो गोलू गुप्ता की ट्राली उसमें लगी है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन दुर्भावनावश कुछ लोगों ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा के केस बनवा दिया है। हम उसके खिलाफ़ हैं, निश्चित रूप से उसके खिलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उसकी ट्राली उसमें लगी है, टूट फूट हुई है, लेकिन चोरी नहीं की है, न चोरी का प्रकरण है। ये सब दुर्भावनावश किया गया है। हम चौकी प्रभारी जी के पास ज्ञापन देने आए हैं कि निष्पक्ष जांच पुनः करें। हम एसपी साहब के पास भी गए थे विधायक जी के साथ, उनने बोला था कि ये तो एक्सीडेंटल केस है, इसमें ये चोरी का मामला कैसे बना दिया, मैं जांच कराऊंगा, लेकिन अभी तक उसकी जांच भी नहीं आई है। तो हम सभी कांग्रेसी आए हैं ज्ञापन देने, यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो जो हमारे साली चौका के थे उनके सामने कोई अतिक्रमण था, जिसमें अनजाने में कोई ट्रैक्टर ट्राली उस दुकान में लग गई, तो उस दुकान में क्षति होने के बाद उन पर जो एक्सीडेंटल केस बनाया गया उसको बाद में लूट साबित कर दिया गया, जो कि शुद्ध झूठा मामला है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसकी ही न्यायिक जांच और उचित कार्रवाई के लिए समस्त कांग्रेस कमेटी साली चौका आवेदन देने आई है, और हम राज्यपाल जी से भी अनुरोध करेंगे, राज्यपाल जी को भी आवेदन करेंगे जिससे उचित कार्रवाई हो सके। वो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, गुड़ बाजार में एक नाई की दुकान थी और वो ट्राली ट्रैक्टर उसकी गोलू गुप्ता की आई, उसमें टकरा गई, मगर वो नाई की दुकान ने भी एक दूसरे को बेच दी थी और वो बन रही थी, उसमें कुछ नहीं है, खाली डली थी, वो धोखे से ट्रैक्टर की टक्कर उसमें लग गई, मगर राजनीति दबाव के कारण उस पर लूट और डाके की झूठा मामला बना दिया। इसलिए हम पूरे लोग कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्य आए हैं पुलिस चौकी प्रभारी को अपना ज्ञापन देने, यदि इस जांच को ठीक नहीं की गई तो हम पूरा गाडावाड़ा विधानसभा के सभी कांग्रेस व साथी आंदोलन पर बैठेंगे। मैं नगरपालिका पूर्व उपाध्यक्ष बैनी सिंह सहजवाल।